News 18, India. प्रधानमंत्री मोदी आज गुजरात को बड़ी सौगात देंगे। प्रधानमंत्री मोदी जामनगर में देश के सबसे बड़े सुदर्शन सेतु का लोकार्पण करेंगे। पुल के उद्घाटन के लिए उसे दुल्हन की तरह सजा दिया गया है। रात के अंधेरे में सिग्नेचर ब्रिज रंग बिरंगी रोशनी में बेहद मनमोहक नजर आ रहा था। प्रधानमंत्री मोदी बेट द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर जाकर द्वारकाधीश के दर्शन भी करेंगे। पीएम मोदी जामनगर, देवभूमि द्वारका और पोरबंदर जिलों में कुल 4,153 करोड़ रुपए की 11 विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और उद्घाटन करेंगे। आप देख पूर्वक आपसी भाईचारे से निपट जाए तो ज्यादा अच्छा है जी। बिल्कुल, बहुत ही सराहनीय पहल है ये। सूफी संगठन और अजमेर शरीफ के कुछ मुस्लिम संगठनों ने और काशी और मथुरा को लेकर के और दोनों पक्षों में बात करके उसको सुलझाने की प्रयास किया है और यह प्रयास बहुत सराहनीय है, होना चाहिए, क्योंकि हम लोग भारत में हैं और भारत राम कृष्ण ऋषि और सनातनियों का देश है। हम लोग कभी नहीं चाहेंगे कि आपस में किसी प्रकार का कोई विद्वेष हो, लड़ाई हो, झगड़ा हो। बड़ी खबर राजस्थान के कोटा से है, जहां एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है। कोटा में 3 शिक्षकों पर धर्मांतरण करवाने के प्रयास का आरोप लगा है। इन आरोपों के सामने आने के बाद राजस्थान के शिक्षा विभाग ने 2 शिक्षकों को निलंबित कर दिया। तीसरे पर कार्रवाई की तैयारी है। मामला कोटा के सांगोद कस्बे के पास एक सरकारी स्कूल का है, जहां के 3 टीचरों पर एक हिंदू छात्र के धर्म कॉलम में मुस्लिम लिखने का आरोप लगा। बच्चों के परिजन और हिंदू संगठनों ने आरोप लगाया है कि छात्र के साथ लव जिहाद और धर्मांतरण किया जा रहा था। इन आरोपों के बाद शिक्षा विभाग ने कार्रवाई की। मैंने 3 शिक्षकों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने का मन बनाया है और इसी के संदर्भ में मैंने 2 अध्यापकों को तो निलंबित कर दिया है, जिसमें फिरोज खान अध्यापक लेवल 1 है और दूसरा मिर्जा मुजाहिदीन सारी शिक्षक है, इसको भी निलंबित कर दिया है और एक सबाना है उसके भी खिलाफ आगे कार्रवाई हो रही है। तीनों को मैंने बीकानेर भेज दिया है। संदेश खाली की घटना से जुड़ी हुई एक ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें। संदेश खाली में आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका ईडी स्पेशल कोर्ट में खारिज हो गई है। उत्तर 24 परगना के संदेश खाली में टीएमसी नेता शाहजहां शेख के ऊपर ईडी पर हमले, महिलाओं के यौन उत्पीड़न और राशन घोटाले के शामिल होने के संगीन आरोप है। ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे। अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है ईडी स्पेशल कोर्ट में। ये जमानत याचिका खारिज हो चुकी है ऐसा इसीलिए क्योंकि शाहजहां शेख पर कई सारे संगीन आरोप लगे हैं, जिसमें ईडी पर हमला करना शामिल है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न का मामला शामिल है, इसके अलावा राशन घोटाले में शामिल होने का भी बहुत गंभीर आरोप शाहजहां शेख पर है। संदेश खाली में टीएमसी नेता अजीत माइती की पिटाई के मामले में पुलिस ने आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। कल लोगों का गुस्सा टीएमसी के नेता अजीत माइती पर फूट पड़ा था। लोगों ने नेता के घर में तोड़फोड़ की, उन्हें चप्पल से पीटा था। टीएमसी नेता ने आरोप लगाया है कि उन पर साजिश के तहत हमला किया गया, जिसके बाद टीएमसी नेता अजीत माइती के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में लिया। और संदेश खाली के बेडमजूर में बवाल काफी बढ़ गया है। कल टीएमसी नेता अजीत मायती की लोगों ने पिटाई कर दी, वहां पर आगजनी भी की गई है। इस घटना के बाद पुलिस एक्शन में आ चुकी है और टीएमसी नेता के घर पर हमला करने वाले और उन्हें पीटने के आरोप में कई लोगों को हिरासत में लेने की खबर है। जिन परिवार के लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, उनके घर की महिलाएं सड़कों पर रोती हुई भी दिखाई दी है। अलग अलग 3 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख लीजिए। टीएमसी नेता की पिटाई, लोगों का यहां पर कैसे गुस्सा भड़का, उसके बाद इस विरोध में आगजनी की जाती है, हिरासत में कई आरोपी लिए गए। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने भी टीएमसी नेता की पिटाई का वीडियो ट्वीट किया। संदेश खाली में टीएमसी नेता की पिटाई के मामले में कई लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है।
तो लोगों का गुस्सा भड़क रहा है। शाहजहां शेख के भाई का फार्म हाउस फूंक दिया। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली से जुड़ी एक बड़ी खबर मिल रही है। संदेश खाली में महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न, दुर्व्यवहार और मानवाधिकार उल्लंघन के आरोपों की जांच के लिए तथ्य खोज समिति यानी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी आज संदेश खाली का दौरा करेगी। कमेटी के सदस्य पीड़ित महिलाओं से मुलाकात करेंगे और अपनी जांच की रिपोर्ट बनाएंगे। बात करें तो आगजनी की दो बड़ी घटनाएं सामने होती है और ऐसे में शाहजहां शेख कहां पर हैं, ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है। ममता बनर्जी जो शाहजहां शेख को संरक्षण दे रही है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी कहा कि शाहजहां शेख को आत्मसमर्पण करना चाहिए। और ये तस्वीरें आप देखिए कि लोगों में उबाल है, लोगों का गुस्सा चरम पर है। महिलाएं सामने आती हैं और अपनी आप बीती बताती हैं। तो ये तस्वीरें आप देख लीजिए, संदेश खाली से सामने आई है। लोगों का गुस्सा भड़क रहा है, आगजनी की घटनाएं यहां पर होती है और ऐसे में सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि ममता बनर्जी कहां पर है, वो संदेश खाली क्यों नहीं आई, वो शाहजहां शेख को क्यों बचा रही हैं। और लगातार सियासत इस मुद्दे पर हो रही है, लेकिन कैसे यहां पर टीएमसी नेता की पिटाई होती है। और ये आप देखिए कि पिटाई का वीडियो अब सामने आया है। टीएमसी नेता की पिटाई के मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। तो संदेश खाली से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट आपको बता रहे हैं। शाहजहां शेख की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है। संदेश खाली के कई इलाकों में जबरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। शाहजहां शेख के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग और संदेश खाली में शाहजहां शेख के गार्ड रूम में आगजनी होती है। टीएमसी नेता अजीत माइती की लोगों ने पिटाई कर दी। संदेश खाली में कई जगह पर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की है। बवाल करने वाले कई लोग हिरासत में ले गए हैं। बीजेपी का एसटी मोर्चा वाला कार्यक्रम स्थगित हुआ है। मानवाधिकार पर एनजीओ की टीम नहीं जाएगी संदेश खाली, क्योंकि टीमों को रोका गया है। और पुलिस का तर्क यह है कि धारा 144 लागू है और डीजीपी वहां पर गए थे, लेकिन अभी भी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है संदेश खाली में। और सिर्फ यही नहीं, संदेश खाली में लोगों का आक्रोश तो इस कदर बढ़ गया है कि विरोध में लोग आगजनी पर उतर आए हैं। संदेश खाली के बेड़मजूर ग्राम पंचायत के एक स्टोर रूम में लोगों ने आग लगा दी है, जिसे पुलिस ने मौके पर पहुंचकर किसी तरह से बुझा लिया। वहीं आपको ये भी बता दें, झुपकाली में फिर से विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। शेख शाहजहां के भाई शेख सिराजुद्दीन के एक फार्म में लोगों ने आग लगा दी। दो तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर आप देखिए। स्टोर रूम में आगजनी की गई और उसके बाद किसी तरह से इस आग को बुझाया गया, लेकिन शाहजहां के भाई पर भी लोगों का गुस्सा किस कदर फूटा है वो भी तस्वीरें बयां कर रही हैं। फिर से एक आला घर में कुछ लोगों ने आग लगाई और उसके बाद एक मिसाइल निकाला गया। हम लोगों का पुलिस टीम वहां पे घटनास्थल पे पहुंचे, आग निभाया और जो मिसाइल था उसको डिस्पर्स किया। हम आपके माध्यम से फिर से एक बार संदेश खाली के जितने भी नागरिक हैं सबको एक वार्ता देना चाहते हैं कि ये जो लॉलेसनेस है ये पुलिस एकदम बर्दाश्त नहीं करेगी। अगर जो कोई भी कानून को अपने हाथ में लेगा, पुलिस कानूनी कार्रवाई करेंगी उनके खिलाफ। उधर संदेश खाली पर सियासी पारा हाई है। बीजेपी की तरफ से ममता सरकार पर आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो वहीं टीएमसी की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी कमजोर है, इसीलिए राष्ट्रीय एससी एसटी आयोग को भेजा जा रहा है। जब महिलाओं पर अत्याचार हुआ और उसके बाद मीडिया के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वो निंदनीय भी है, दुर्भाग्यपूर्ण भी है। और दुख की बात यह है कि उसके बावजूद पश्चिम बंगाल की सरकार हाथ पे हाथ धर के बैठी है। महिलाओं के डेलीगेशन जो केंद्र से गए भी, उनसे या जो स्थानीय तौर पे गए, आखिरकार उनको क्यों रोका जा रहा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूँ कि मीडिया के खिलाफ इस तरह का दुर्व्यवहार क्यों? और महिला जब एक अपने महिला मुख्यमंत्री के रहते सुरक्षित महसूस नहीं करती तो वहाँ के कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े होते हैं। तो किधर था वो